बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई, आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान आज रात से हफ्ता 17 जून के रोज़ भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ताकतवर प्री मानसून हवाओं और समंदरी तूफ़ान के बायस मज़ीद तूफ़ानी बारिशों और तूफ़ानी आंधियाँ चलने के इम्कान हैं। तफसीलात के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश ज़ोब में 45 जबकि मिट्टी में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। दूसरी तरफ समंदरी तूफ़ान भारतीय गुजरात से टकराने के बाद इस वक्त थरपारकर समेत जनूब मशरकी सिंध में मौजूद, जो आज रात तक हवा के शदीद कम दबाव में तब्दील हो जाएगा, जिसके सेरे असर सुबह सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में शदीद मूसलाधार और तूफ़ानी बारिशों का इम्कान भी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान भी कश्मीर के बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, सुबह पंजाब के मुख्तलिफ बालाई बस्ती और चंद जनूबी इलाकों में, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इस्लाम में, जबकि सुबह सिंध के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश, जबकि सुबह सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में तूफ़ानी और शदीद खतरनाक बारिशों का इम्कान भी है। तमाम सूबों, इलाकों और शहरों के मौसम पर तफसीली बात की जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान डिपलो, उमरकोट, थरपारकर, कैटी बंदर, सजावल, बदेन, ठट्ठा, मिट्टी, इस्लामकोट, छाछरों समेत जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में शदीद सैलाबी बारिशों का इम्कान, जबकि मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगढ़, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद समेत सुबह सिंध के दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर, जबकि कश्मीर के बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में भी सिर्फ चंद मकामात पर गरज चमक और आंधी के साथ बारिश और ओले पड़ने की तवक्को। तहम मुल्क के दीगर ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म ही रहेगा।